हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आरडी व्लॉग्स। कैसे हो आप सभी और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई काफी लोग मेरे से अब कंटिन्यूसली ये बात पूछ रहे हैं कि भाई आपका वीजा क्यों नहीं आया, अभी तक कहाँ रह गया, आपको यूरोप के वीजा क्या हुआ। तो भाई सबसे मेन बात मैं आपको बता देता हूँ कि मैं ऑलरेडी एक वीडियो प्रॉपर इस चीज के ऊपर बनाई थी मैंने, जब मैं लाइव आया था सभी के क्वेश्चन का मैंने रिप्लाई दिया था कि भाई मैं वीजा का 3 महीने का टाइम दिया था और इसलिए अभी तक वीजा नहीं आया, अभी तक मेरे ऑलमोस्ट 2 महीने हुए। लेकिन अभी क्या हुआ कि जब आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे तो मैंने अपने एजेंट के पास फोन किया कि मैं बोला यार काफी क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, कब तक मेरा वीजा प्रोसेस, एक डेट बता दो कि जब तक आप वेट कर लो। उन्होंने इतनी बढ़िया बात बता दी जिससे सुन के मेरा मन खुश हो गया, बट अभी भी बिलीव तो नहीं है मेरे को। मैं पहले बता दूं, मेरे को बिलीव नहीं है कि इतनी जल्दी आ सकता है। उन्होंने मेरे को बोला कि आपका इस महीने के एंड तक या नेक्स्ट महीने के फर्स्ट वीक तक आपका वीजा आने की पूरी उम्मीद है। तो मैं बोले चल ठीक है यार, मतलब वीजा नहीं वर्क परमिट आने की पूरी उम्मीद है। उसके बाद ये बात मैंने अपने दोस्त को बताई, जो कि आप प्रिंस जानते ही होंगे, उसे मेरा दोस्त को बताई। वो बोला कि भाई वर्क परमिट तो आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, वर्क परमिट आ जाता है, लेकिन उसके बाद जो अपॉइंटमेंट मिलती है ना, जब VFS ग्लोबल की अपॉइंटमेंट है, काफी कमेंट भी आते हैं मेरे पास कि भाई मेरा वीजा वर्क परमिट तो आ गया है बट मेरी अपॉइंटमेंट के लिए मुझे वो डेट नहीं मिल रही है। तो ये इशू मैंने अपने एजेंट के साथ डिस्कस किया कि मेरे काफी दोस्त हैं जिनका ऐसा हो रहा है कि उनका वर्क परमिट तो आ जाता है, कहीं आप बोलो कि वर्क परमिट आ गया अभी आपका, लेकिन उसके बाद उन्हें VFS ग्लोबल की तरफ से जो अपॉइंटमेंट मिलती है, जो वीजा स्टैंपिंग होती है, उसके लिए उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, उसका क्या मसला है। तो उसके बाद एजेंट ने मेरे से ये रिप्लाई दिया था कि भाई आप चिंता मत करो, हम ऐसे एम्प्लॉय ढूंढ रहे हैं आपके लिए जो कि आपका काम जल्दी करवा देंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ होगा यार। मैं बोला चलो ठीक है, इस बात पे मैं आपको बिलीव कर लेता हूँ कि वर्क परमिट आने के बाद मेरा जो VFS ग्लोबल की जो अपॉइंटमेंट है वो भी जल्दी से जल्दी फिक्स होनी चाहिए। ये नहीं कि वर्क परमिट आ जाए और उसके बाद मैं 3 महीने 4 महीने वेट करता रहूं कि कब मेरी अपॉइंटमेंट मिलेगी और कब मैं जाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो बोले नहीं ऐसा नहीं होगा, आपका जल्द से जल्द हम काम करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी मेन बात। और उसके बाद काफी लोगों को ये लग रहा है कि भाई ये कहीं नहीं जाने वाला, तो मैं इसके लिए भी एक बात बता देना चाहता हूँ कि चाहे मेरा इनकी तरफ से अगर ये फ्रॉड निकल जाए, जिस एजेंसी से मैंने करवाया है, अगर ये फ्रॉड निकल जाए कोई बात नहीं, उसके बाद भी मैं जाके छोड़ूंगा भाई, टेंशन ना ले, तो तुम्हारा भाई जाएगा यूरोप पक्का जाएगा। उसके बाद मैं विजिट वीजा क्यों ना लगवाना पड़ जाए, मुझे विजिट वीजा के लिए यार मेरी जो ट्रांजेक्शन है, जो मेरी बैंक स्टेटमेंट है, और कंपनी से NOC का भी जुगाड़ मैं करवा लूंगा। अगर मैं जाना चाहूं तो मैं विजिट वीजा पे भी जा सकता हूं, बट मैं वर्क परमिट लगवाने का मेरा एक रीजन क्या है कि बहुत ज्यादा डिमांड वर्क परमिट के लिए आ रही है, इसलिए मैं वर्क परमिट लगवा रहा हूं। अदरवाइज मैं विजिट वीजा भी लगवा सकता हूं बहुत इजीली, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार है विजिट वीजा के लिए। इन केस अगर मेरा वर्क परमिट का काम प्रोसेस में नहीं हुआ, आगे जाके सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसके बाद मैं ट्राई करूंगा विजिट वीजा के लिए, और विजिट वीजा लग जाएगा मेरा बहुत इजीली, क्योंकि मैं यूट्यूबर के थ्रू जाऊंगा कि मैं बोलूं भाई मैं यूट्यूबर हूं, मैं वीडियो बनाता हूं, मैं लोगों को दिखाता हूं यहां वहां जाके, तो उसके बेसिस पे मेरा वीजा लग जाएगा और मेरे को वो अप्रूव कर देंगे, चाहे वो पुर्तगाल हो, इटली हो, फ्रांस हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, कहीं का हो, मैं विजिट वीजा लगवा सकता हूं एज ए यूट्यूबर, और मेरी बैंक स्टेटमेंट अच्छी होने की वजह से, और मैं कंपनी से भी NOC ले लूंगा। उसके साथ एक और खुशखबरी दे देते हैं भाई, एक्चुअली क्या है कि जो तुम्हारे भाई के साथ रहता है ना वो सक्सेसफुल हो ही जाता है, मेरी संगत में जो बंदा निकल जाता है ना वो भाई कुछ ना कुछ बनता ही जरूर है, और वो सेम बात इमरान भाई के साथ भी हुई है। इमरान भाई ट्रांसगार्ड में 1 साल के अंदर ही सुपरवाइजर बन गया भाई, मतलब जनवरी में उसको 1 साल कंप्लीट हुआ ट्रांसगार्ड का, और आज मेरे साथ नहीं है भाई, वो ट्रांसगार्ड में सुपरवाइजर बन गया, पेट्रोलिंग सुपरवाइजर, देख रहे हो 1 साल में इतनी तरक्की। तुम्हारे भाई बहुत लकी है यार, जो भी मेरा दोस्त है ना वो बहुत लकी है, लेकिन उसके चक्कर में मैं रह जाता हूँ यार, कहाँ तू भी निकल गया यार, अभी मैं अकेला रह गया। लेकिन उसके साथ भी इंटरव्यू लेके दिखाएंगे क्या कुछ, अभी सुपरवाइजर बन गया भाई बंदा, तो उसके लिए भी बड़ी खुशी है भाई सुपरवाइजर बन गया यार। इसलिए काफी लोग पूछ रहे थे ना भाई आजकल इमरान भाई नहीं दिख रहा, वो कहाँ पे है, तो वो सुपरवाइजर बन गया है भाई। ये भी अपडेट थी जो कि बहुत खुशखबरी है भाई के लिए, यही सारी अपडेट थी जो कि आप लोगों को बतानी बहुत ज्यादा जरूरी थी। और एक भाई बहुत ज्यादा दिनों से एक बात पूछ रहा है कि भाई बाइक राइडिंग की जॉब के बारे में बताओ यार, उसके बारे में क्या कुछ मसला। भाई देखो यार अभी रमजान का टाइम है, मैंने आपके कमेंट का रिप्लाई भी किया था, अभी रमजान का टाइम है, और रमजान का टाइम में सभी, अभी देखो इफ्तारी का टाइम होने वाला है, मतलब अभी जिस टाइम ये ब्रेकफास्ट ब्रेक करते हैं ये 6:43 को करते हैं, और मेरी जो छुट्टी होती है वो 6:20 को मैं रूम पे पहुंचता हूँ, उसके बाद ये इफ्तारी करते हैं और उसके बाद खाना पीना खा के सो जाते हैं यार। इतनी हिम्मत नहीं होती कि इसके बाद ये वीडियो शूट कर पाए, इसलिए मैं उन लोगों को तंग भी नहीं करना चाहता। आप काफी दिनों से देख रहे हो मैं बाहर भी नहीं जा रहा हूँ, कहीं घूमने फिरने भी नहीं जा रहा हूँ, उसका रीजन यही है कि भाई सभी लोग यार अभी मतलब खाना पीना खाने के बाद ब्रेकफास्ट ब्रेक करने के बाद इफ्तारी करने के बाद थक जाते हैं, सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं, तो मैं भी उनको तंग नहीं करना चाहता, इसलिए काफी
ट्रैवलिंग लोग भी नहीं आ रहे कि मैं कहीं पर बाहर जा रहा हूँ, तो ये कुछ रीजंस है। तो थैंक यू सो मच, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट करके अपने सजेशन कुछ भी हो आप मेरे को कमेंट सजेशन में कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अभी जाते हैं अपने रनिंग करने के लिए, कल का व्लॉग देखा तो कल का व्लॉग भी देख लेना। ओके बाय बाय।